धनबाद में मजदूर नेता उपेंद्र सिंह की कार पर अज्ञात हमलावरों की ओर से फायरिंग की गई है। कारतूस के दो खोखे भी उपेंद्र सिंह की गाड़ी के अंदर से बरामद हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश कर रही है। बेलगड़िया टाउनशिप में रहने वाले जनता मजदूर संघ कुंती गुट के नेता उपेंद्र सिंह अपनी अल्टो कार से किसी काम से डिगवाडी गए थे। डिगवाडी से लौटने के बाद वो घनवाडी पहुंचे। घनवाडी 12 नंबर के पास कुछ असंगठित मजदूरों ने उन्हें बुलाया था। सड़क पर अपनी कार लगाकर वो मजदूरों से मिलने चले गए। मजदूरों से मिलकर वापस लौटते वक्त उन्होंने अपनी कार को क्षतिग्रस्त पाया। ड्राइविंग सीट के सामने का शीशा और दाहिने ओर का शीशा क्षतिग्रस्त था। कार का दरवाजा खोलने पर उसमें से कारतूस के दो खोखे मिले। एक गोली का निशान ड्राइवर के सीट पर है। घटना घनों की 12 नंबर का है। सुबह में हमको फोन आया, बीजीआर में कुछ हमारे लड़के लोग काम करते असंगठित लोग ब्लास्टिंग टीम में, वो लोग हमें बोला कि फ़ोन के द्वारा बोले कि दो दिन से हमको हाजिरी नहीं मिल रहा। तो हम उसके लिए वार्ता करने के लिए गए, तो साईं रेड्डी जी से और विनोद सिंह से बात हुआ। वो लोग बोले कि ठीक है, कल से भेज दीजिएगा, हम इन लोग को रख लेंगे, अभी देंगे। उसके बाद लौटते क्रम में हम 12 नंबर चले गए। गाड़ी हम 200 मीटर दूर में खड़ा करके, पानी के चलते उधर कीचड़ है, इसके लिए पैदल गए। और उधर से जब रिटर्निंग आए तो देखते हैं कि मेरा गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। हम सोचे कोई पत्थर मार के भाग गया, मगर जब जैसे अपना ड्राइवर का सीट खोलते हैं तो शीशा को साफ कर रहे थे नीचे सीट का, तब तक गोली का अंश निकला। और अतबका के जब बाहर निकले हैं तो देखते हैं कि नीचे में खोखा पड़ा हुआ। तब तो ऐसा कोई किसी से मेरा दुश्मनी नहीं है, हम गरीब मजदूर के लिए से काम करते हैं। ये धनवाड़ी थाना क्षेत्र का धनवाड़ी 12 नंबर बस्ती है। जैसा कि उपेंद्र सिंह जो वादी हैं उसके द्वारा बताया गया कि वो 12 नंबर गए थे और गाड़ी खड़ी करके, और जब वो गाड़ी बस्ती से जब लौटे तो देखे कि गाड़ी में क्षतिग्रस्त किया हुआ है। क्षतिग्रस्त करने पर गाड़ी खोल के देखा गया तो उसमें दो खोखा बरामद हुआ है, जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। जांच करने के बाद हम लोग उस पे आगे अनुसंधान हम लोग करेंगे। उपेंद्र सिंह से पूछताछ में क्या कुछ आया है? उपेंद्र सिंह द्वारा भी हम लोग पूछताछ किए हैं, अभी हम लोग इस बात को अनुसंधान में रख रहे हैं। अनुसंधान की बातें हैं, अब हम लोग अनुसंधान करने के बाद ही हम लोग आगे इसमें जो भी आएगा बताएंगे।